हमारी आंखें शायद हमारे चेहरे पर एक सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है दोस्तों, फिर भी हम उसे निगलेक्ट करते हैं। मेरे हिसाब से यही सही समय है दोस्तों जब हम अपने आंखों का ख्याल रखें, क्योंकि लॉकडाउन के वजह से ज़रूर हम घर पे बैठे हुए हैं, हमारी आंखों को एयर पोल्यूशन से प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, हमारी आंखें सनलाइट को एक्सपोज नहीं हो रही है, हमारी आंखों को हीट से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। पर जब हम घर पे बैठे हैं दोस्तों तो डेफिनेटली हमारी आंखें एक्सपोज हो रही है आर्टिफिशियल लाइट्स को, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं वर्किंग ऑन अवर लैपटॉप्स या मोबाइल पे, कोई वेब सीरीज देख रहे हो या इन जनरल मोबाइल पे टाइम स्पेंड कर रहे हो, प्लस टीवी तो है ही। तो ये सब के वजह से दोस्तों हमारी आंखों पे जरूर स्ट्रेन पड़ रहा है, हमारी आंखों को तकलीफ जरूर हो रही है। सो दोस्तों घर पे ही रह के हम कर सकते हैं कुछ होम रेमेडीज विच आर बैक्ड बाय आयुर्वेदा। यस, आयुर्वेदा प्रैक्टिस भी उसे रिकमेंड करता है टू कीप अवर आईज इन अ स्ट्रॉन्ग शेप। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को एक काफ़ी इजी और सिंपल मेथड से। हम जब सुबह नींद से उठते हैं तो जनरली हम अपनी आंखों पर पानी छिड़कते हैं। इसी आदत को अगर हम कुछ चेंज करें और पानी छिड़कते समय अगर हम अपने मुंह को फुलाकर पानी छिड़के तो हम अपनी आंखों की नसों को और ओपन करेंगे। दिस विल रिलैक्स एंड स्टिमुलेट अवर आईज। अगर आपके घर पे रोज वाटर है तो ठीक, वरना आप रोज वाटर एक्चुअली घर पे भी बना सकते हो। आप घर पे कैसे रोज वाटर बना सकते हो वो मैं और एक वीडियो में कवर करूंगा। अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप रोज वाटर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो टू कीप योर आईज हेल्दी। अगर आपके घर में ड्रॉपर नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप एक्चुअली कॉटन ले सकते हैं। आप कॉटन बॉल्स लेके रोज वाटर का एक या दो ड्रॉप उस पे डाल सकते हो और वो अपने आंखों पे रखना है। आंखों की जलन को शांत करने में ये मदद करेगा। इस कॉटन बॉल्स को आप लगभग 5 से 10 मिनट रखें और फिर अपनी आंखों को वॉश करें। मैं एक्चुअली अपने वीडियो में नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप रोज वाटर जो बाजार में मिलता है उसको अपने आईज में डालिए, बिकॉज जो रोज वाटर बाजार में मिलता है जनरल पर्पस के लिए वो अलग होता है, और जो एक्चुअली मेडिकल पर्पस के लिए आईज में एज अ ड्रॉप इस्तेमाल किया जाता है वो अलग होता है। तो डेफिनेटली केयरफुल रहिए कोई भी चीज़ अपने आंखों में डालने से पहले, क्योंकि इससे अपनी आंखें डैमेज भी हो सकती है। सो ऐसी चीज़ों को अपनाइए जो एक्सटर्नली आप अप्लाई कर रहे हो, राइट? तो ये जो रोज़ वाटर है आप एक्सटर्नली इसे अप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे आपकी आंखों को बेनिफिट ही मिलेगा। नेक्स्ट मेथड है दोस्तों गाय के दूध का क्रीम और फ्रेश दही। आप इसके लिए दूध के मलाई को इस्तेमाल कर सकते हो या दही को इस्तेमाल कर सकते हो। आपको सिर्फ अपने हाथों से दही या मलाई को अपने आंखों पर इस तरह अप्लाई करना है और इसे लगभग 5 से 10 मिनट रहने दे और फिर वॉश करें। नेक्स्ट मेथड जो है वो बहुत ही सिंपल है। वो एक्चुअली आप अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हो या मोबाइल पे कुछ कर रहे हो या इनफैक्ट टीवी भी देख रहे हो तो आप अपने हाथों से वो मेथड को फॉलो कर सकते हो। अपने हाथों को ज़ोर से रगड़े ताकि आप कुछ गर्मी पैदा करें। अब अपने हाथों को सीधे अपने आंखों पर रखें, आपकी आंखों को काफ़ी आराम मिलेगा इससे। नेक्स्ट मेथड है कुकुम्बर स्लाइसेस। ठंडे खीरे के 2 स्लाइस काटो और उन्हें लगभग 10 से 15 मिनट के लिए अपनी आंखों पर रखें। इससे आपके डार्क सर्कल्स भी जाएंगे और आंखों को आराम भी मिलेगा। नेक्स्ट मेथड है कोल्ड कंप्रेशन। गीले कॉटन बॉल, आइस क्यूब या फिर एक ठंडा चम्मच भी कोल्ड कंप्रेस के रूप में काम करता है। अगर आपके पास एलोवेरा जूस है तो ठंडे पानी की जगह आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। कॉटन बॉल को आप ठंडे पानी में डालें और उसे अपने आंखों पर इस तरह रखें। इसे लगभग 10 से 15 मिनट तक रखें और फिर आई वॉश कर लें। आप एक रुमाल लें और आइस क्यूब को इस तरह उसमें डालें और फिर उसे अपने आंखों पर इस तरह से रखें। इससे आपकी आंखों को काफ़ी आराम मिलेगा। एक ठंडक जो होती है वो अपनी आंखों को इरिटेशन जलन से बचाती है। आप 2 चम्मच लीजिए, उसे अराउंड आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखिए, फिर उसे निकाल कर आप अपने आंखों पर इस तरह से रखेंगे। दिस विल हेल्प प्रिवेंट वाटर रिटेंशन इन द आईज, रिमूव ट्रेसेस ऑफ स्वेलिंग एंड पफिनेस ऑल्सो। ये तीनों चीज़ें कोल्ड कंप्रेशन के रूप में काम करेगी और आपकी आंखों को एक आराम देगी जो बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ जो है दोस्तों वो हम सबको करनी ही चाहिए और वो है काफ़ी सारा पानी पीना। एक दिन में अराउंड 3 से 4 लीटर आप पानी पीजिए। ऑफकोर्स पानी पीना तो ओवरऑल बॉडी के लिए बेनिफिट है, लेकिन अपनी आंखों को ड्राइनेस से बचाने के लिए पानी ज़रूर पिए।
तो ये सारे होम रेमेडीज आप ट्राई कर सकते हो दोस्तों। इसे एक एक करके ट्राई कीजिए, आपकी आंखों को जरूर बेनिफिट मिलेगा इसका। मैंने अपने एक पहले वीडियो में ऐसे फूड्स आपके साथ शेयर किए थे जो हमारी आंखों को सही न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने में हेल्प करता है, जिससे हमारी आंखें डैमेज नहीं होती। आप वो वीडियो ज़रूर देखें और उसका भी बेनिफिट लें। बट इस वीडियो में भी मैं आपके साथ कुछ ऐसे फूड शेयर कर रहा हूँ जो आपकी आंखों को हेल्प करेगा। सबसे पहले आता है दोस्तों आंवला या आंवला। आंवला में विटामिन सी होता है जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारी इम्यूनिटी को तो बूस्ट करता ही है दोस्तों, बट उसी के साथ में हमारे आईसाइट को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है पालक। यस, पालक जो है वो काफ़ी रिच है एंटीऑक्सीडेंट्स में, रिच इन विटामिन ए, रिच इन विटामिन सी, उसमें काफ़ी सारा आयन है, कैल्शियम है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी आँखों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं दोस्तों। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी स्पिनच जूस आप कैसे बना सकते हो वो मैंने बताया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और जानें कि आप अपना स्पिनच जूस कैसे बना सकते हो जिससे आप अपनी आँखों को डैमेज होने से बचा सकते हो। नेक्स्ट है कैरेट, गाजर। कैरेट में होता है दोस्तों बीटा कैरोटीन जो कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में, और विटामिन ए हम सब जानते हैं हमारी आँखों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। नेक्स्ट है सिट्रस फ्रूट, यानी लेमन, ऑरेंज, कोई भी एसिडिक फ्रूट जो रिच होता है विटामिन B12 में और ऑफकोर्स विटामिन सी में। उसी के साथ ही बीटा कैरोटीन में भी रिच होता है जो हमारी आँखों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। पालक का जूस है दोस्तों, उसमें ऑलरेडी मैंने एक सिट्रस फ्रूट यानी ऑरेंज का इस्तेमाल किया है, तो ज़रूर उस वीडियो को देखें और जानें कि ये जूस आप कैसे बना सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों आलमंड्स यानी बादाम। बादाम में तो काफ़ी न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन ई भी होता है जो हमारे टिश्यूज़ को हेल्दी रखने में बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने टर्मरिक मिल्क के वीडियो में दोस्तों ऑलरेडी आलमंड का इस्तेमाल किया है, मैंने टर्मरिक का भी इस्तेमाल किया है। ये दोनों आलमंड्स, बादाम और हल्दी जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है हमारी आँखों के लिए भी। ऑफकोर्स इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स है, लेकिन उसके साथ ही साथ हमारी आँखों को एक डेली डोज ऑफ बादाम और टर्मरिक मिलना चाहिए। तो आप उस वीडियो को भी देखें और जानें कि आप जो टर्मरिक मिल्क है, मैंने दो स्टाइल में बताया है, एक वेगन है जिसमें मिल्क का इस्तेमाल नहीं किया है और एक मिल्क बेस्ड है, तो दो टाइप ऑफ टर्मरिक मिल्क मैंने बताया है। आप देखिए कैसे बना सकते हैं टर्मरिक मिल्क। उस वीडियो में मैंने एक इम्पॉर्टेंट टिप दी है जिससे आपका टर्मरिक एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ का अगर एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होगा तो उस चीज़ का कोई हमारी बॉडी को उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें और उसका भी बेनिफिट लें दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें जो आप फॉलो कर सकते हो और अपने आँखों का ख्याल रख सकते हो। इन सारी चीज़ों के साथ आप एक और एक आसान सा आई वॉश कर सकते हो और वो है रोना। हमारे टीयर्स होते हैं उसमें लुब्रिकेटिंग, नरिशिंग और आँखों के रक्षा करने के गुण होते हैं, जो डस्ट और डस्ट पार्टिकल्स हमारे आँखों में जाते हैं उसे क्लियर करने में काफ़ी हेल्प करता है। सो रोने का भी अपना बेनिफिट है दोस्तों, बट डेफिनेटली कोई ऐसा कारण मत ढूंढिए जिससे कि आपको रोना पड़े। That's it for this video friends. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है, कुछ कमेंट्स है, तो कमेंट बॉक्स में डालिए। लाइक करना ना भूलें दोस्तों इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं हूँ श्याम सावन फॉर पावर ऑफ न्यूट्रिशन। आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट वीकेंड। अंटिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।